सर मुझे वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, मगर मुझे मम्मा जब कुछ दिखाती है तो मुझे दिखता नहीं है। मैं सच बता देती हूँ पर मुझे अच्छा दिखता नहीं है, जो मन में आता है वो बताती हूँ, वही सच होता है। वही सच होता है, वो इंट्यूशन होता है। यानी काफी सारे बच्चे ऐसे होगा कि उनको दिखेगा नहीं, लेकिन मन में जो आएगा वो सामने जो भी दिया वो सच वैसे ही होगा। ठीक है, वैसे ही होगा। वो हमारी ये पढ़ इंट्यूशन भी लेती है, पावर हाँ बढ़ भी लेती है। पढ़ वेरी लेती है, छोटे छोटे वर्ड्स पढ़ लेती है। हाँ ओके। एक काम कीजिए सर। ओके मैं इसमें, एक हमारी दीदी थे फ्रॉम पुणे, पुणे से थे। उनको आंखें बंद करके यानी सब कुछ पढ़ लेती थी वो, लेकिन वो वही जैसे दीदी बोल रहे ना कि वो उनको दिखता नहीं था और वो बताती थी। तो हमने उनको एक बार कान से, उनके इयरिंग सेंस काफी एक्टिव थे, कान से उनको जब कार्ड्स दिए तो उनको वो सुनने भी आया था। एग्जाम्पल ये मैंने पिछले मीटिंग में भी बोला था, वो आपको जो है कान से चेक करना है। सो वो के आते के चीज जैसे अल्फाबेट लिख पर पे ऊपर ए सी कुछ, और उसको टैबिंग की कान के पास, क्या वो सुनाई क्या? जैसे ए लेटर तो ए आएगा, साउंड भी है जैसे टक टक हमें आवाज आता है, वहां पे टक टक नहीं आएगा, ए ए ए ऐसा आएगा, जेड 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 ऐसा आएगा, जो भी ये है देखने की जगह सुन के भी पता चल सकता है। हाँ सुन के भी पता चलता है बच्चों। इयरिंग वाले सेंस एक्टिव होते हैं बच्चे के। ओके अभी ये बताइए, आपको बड़े बड़े दिखते हैं छोटे भी अक्षर पढ़ लेते हैं सर? ये नहीं, वो छोटे भी अक्षर हैंड राइटिंग भी पढ़ लेती है। हाँ पढ़ लेती है, दिखता नहीं है बेटा आपको आंखें बंद करके, यानी देखते नहीं, मुझे दिखता हो नहीं तो। है, जो मन में आता है वही बोलती हूँ, वही सच होता है। वो कलर भी आइडेंटिफाई हो जाता है अच्छा, और हमको ये उसको पहली जो बार मैं सुन हाँ रहा हूं ऐसा कुछ ये अभी तक दिखेगा नहीं, तो फिर पढ़ोगे कैसे, मन में कैसे आएगा? वही यानी वही थोड़ा ये बहुत तो मन में आएगा, ऐसा यानी है। मैं मन में उसमें तो वो नहीं, एक दिक्कत भी हो गई थी मुझे ये पता है मन में आने कि का कलर्स आते हैं सर मन में, एक आधा लेटर्स आएगा, रीडिंग कैसे मन में आएगा, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ सर। नहीं, तो वो अच्छी मैंने बात है। उसका जो भी नाम लिख के दिए थे वो सभी नाम हाँ पढ़ लिए उसने हैंड राइटिंग से। चलो वेरी गुड। आपको चक्रा दिखते हैं? चक्रास है, चक्रा ब्लू दिखते हैं लाइट है, वो दिखते लेकिन हैं। उसमें चार वो भी वो क्या रेगुलर मेडिटेशन करती थी चार, ये 12 दिन के बाद उसको थोड़ा ब्रेक हो गया कि गांव में जाना पड़ा था, मम्मी की तबीयत खराब थी इसलिए तो वहां छूट अच्छा गया अच्छा था। अच्छा ओके। चलिए एक बार ये कंफर्मेशन दीजिए, जब सर उनके हाथ में आप दोगे ना कुछ पढ़ने को, एक बार बोलने के लिए कहीं मुझे क्लियर दिख रहा है, मुझे स्पष्ट दिख रहा है, मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है। उदाहरण के लिए बोलना है, जैसे बच्चों के हाथ में हम बुक देते हैं उल्टा देते हैं और बच्चों को पूछते हैं कैसे दिख रहा है, वो बोलता है उल्टा दिख रहा है। हम उल्टा बुक देते हैं, उल्टा ही होता है, और हम बच्चों को क्या बोलते हैं कि बेटा आप सीधा दिख रहा है ऐसे बोलो, मुझे सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। ये आप कर सकते हो आपके बच्चों के साथ, ऐसे उल्टी बुक देनी है, बच्चों को बोलना है कैसे दिख रहा है, बोलता है क्या उल्टा दिख रहा है, उसको अफर्मेशन क्या देने, मुझे सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, वो सीधा दिखने लगता है। उसी प्रकार जब उनके हाथ में देंगे तो मुझे चीजें दिखाई दे रही है, मुझे क्लियर दिख रहा है, मुझे शब्द दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बोलिए क्या वो दिख रहे हैं, दिख जाएंगे बाद में ऐसे लगता है मुझे। ठीक है सजेस्ट क्योंकि मैंने वो पढ़ने के सजेस्ट लिए उसको 15-20 वर्ड्स दिए थे अलग हाँ अलग, तो हाँ सभी उसने बता दिए लेकिन वो बोलती मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ओके जो बता दिखाई दिया था ही अभी। बताती है। हाँ ठीक है ठीक है, अभी उनको बोलने के लिए कहिए कि मुझे क्लियर दिख रहा है करके, दिखाई दे रहा है ऐसे करके। उसका ठीक थर्ड आई ओपन है भी 99% भी वो दिखा रहा है। अच्छा, वेरी गुड। उसको डेली बेसिस पे चैंटिंग कीजिएगा, 15 से 20 मिनट हाँ वो तो करती है ऐसे, डेली की, वो बीच में छूट हाँ गया तीन था से ताकि पांच कंटिन्यू मिनट रहे। दीजिए। चलो वेरी गुड वेरी गुड, नाइस यस मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए, इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि, नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे डिफेंस थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कॉन्सेंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है,
डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थायराइड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आग मिलती है, ऐसी आग जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ 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 ही प्रूफ है, और ये आग लाइफ टाइम के लिए है। माय फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकेंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रिया है यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं मैडम फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। मैडम फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो मैडम फ्रेंड्स, बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत हैं। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं। नहीं जनाब, ये किताब पढ़ना है। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके, वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी वो आंखें बंद करके दिखने वाला है। वो एक स्कैनिंग बन जाएगी उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है? क्या ये हो सकता है? हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है, अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। यशवी दीदी करती है ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायिनी है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8KG 851993। ये लो, नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन आप देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर, पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूं सारा। हाँ, वो पेज पूरा कि बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज गॉट टैलेंट गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए। माय फ्रेंड्स, आपके बच्चे को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए,
जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताओ ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद लॉर्ड बुद्धा उन्होंने सत्य को जाना था, विचार शून्य की अवस्था। आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन, जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना। आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पे नहीं जाएंगे, कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है। और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में, मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की, चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2-2-1 नंबर पे निकालो। 2-2-1, वेरी गुड। वे पढ़ो इसमें क्या लिखा है। यूज द एपोस्ट्रोफ एज अ डिफॉल्ट लेवल पेरिफिक कैरेक्टर, देन रिवर्स इट व्हेन यू रीड इट। यस, द डॉलर सिंबल डिसिकेटिंग अ फील्ड नेम 3+। वेरी गुड। ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चे को और आपको सिखाते हैं कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोज़ रहेंगे, एक एक घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे Day 1, Day 2, Day 3, ऐसे 30 वीडियोज़ रहने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोज़ में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी इजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है, बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ माय फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है, इसका एसेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके
बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स हैं वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए हैं 30 डेज के प्रोग्राम में जो है उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूँ, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है, उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारी जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप इनरोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले हमारे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति जिस तरह से आँखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़ें, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा इसी 30 डेज में, वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, वो है NLP का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक माय डिफेंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर। थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है माय डिफेंस रूइकी हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आँखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी अगर दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है माय फ्रेंड्स रूइकी हीलिंग। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो इजीली अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रूइकी प्रोग्राम माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है, इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रूइकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपए के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट पर मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम मैं आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है माय फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंजॉय करते हो तो मैं आपको ऑफ़र देना चाहूँगा। इसको आज आप 4999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो माय फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का, अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊँ, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊँ, आपको फंसाऊँगा नहीं, विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है। और एक चीज़, ये प्रोग्राम मैं पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। माय फ्रेंड्स, मैं बताऊँ, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ,
ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट ए एज मैंने 25 जो भी चीज़ें जानी सीखी और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है। थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है। विचार शून्य में हमें दिखाई देता है। बच्चों में स्ट्रेस टेंशन विचार कम होते हैं इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय फ्रेंड्स ये चीज़ें सीखने के बाद माय फ्रेंड्स आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी। मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी के बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे। इतना अच्छा है ना। आप बता आप कितने लोग सीखना चाहोगे। मुझे यस करो यस। मैं बहुत खुश हो रही हूँ। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ। मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। मेरे पापा ने बहुत सुंदर नया कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे पापा का वीडियो देख लो। घर बैठे सीख मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है। चलो मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो सब्सक्राइब करो शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है तो इसके लिए मैं आपका हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई तो मैं रिस्क लेता हूँ वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है तो मनी बैक गारंटी में वे आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है इतनी लाइफ बदलती है ये मैं नहीं कहूँगा। जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है। देखिए ये क्या है सुपर पावर। सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सुन करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time there was an explorer named John D. Souza. It was called so because nobody returned alive. Oh, okay. But you hold on. So मैं पिताश्री से पूछना चाहूँगा सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है इसके बारे में हमें कुछ बताइए कहाँ होता है ये कोर्स। ये जो अभी इसने करके दिखाया है वैसा तो जादू लगता है बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस मेडिटेशन उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स कंसंट्रेशन फोकस वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी आपको कैसा लगा ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? ये जो वीडियो है डांस का सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है। अभी वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था पर राइटिंग भी अच्छी करती है फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला उसने मिडब्रेन को दिखाया और फ्लिपिंग के बाद
उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया, सेम बताया। इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं उसके पापा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक हाउ शी कैन डू लाइक दिस। मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला, पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा हूँ। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, बहन के साथ बहुत झगड़ा करता था, खुद उसे संभाल रहे हैं, मम्मा आप काम करो मैं इसे संभालता हूँ। वाह वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गए, शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम, मोबाइल टीवी कब हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था, अभी हमें टीवी नहीं लगाने। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता है क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसकी कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे आपको बहुत पसंद आया, हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा, ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके वेरी गुड, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस, फिजिकली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की, और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अर्जुन देता, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं, यस, बांग्लादेश से है, सिटी मैं भी बांग्लादेश से, और यहाँ पर एक सिटी है सवा ढाका, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ए इस इंसान को कॉन्टेक्ट करो, एक मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है, एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपके हीमोग्लोबिन को दिखाई देने लगा? विद इन वन वीक ही वाज एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स, देन रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट्स एबीसी। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है, पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था, इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इंप्रूव, टू मच इंप्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर, अभी देखो कितने सारे पेरेंट, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया, सब खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे, और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन, जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो भी जाके पढ़ रहा है। ये इस्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा, बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ, और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो दूर से लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा, 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो ले करके बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स ले और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 1,000,000 बच्चों को ये चीजें सिखानी है, और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे,
ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आँख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा, मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना तो वो करे। ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। दो दो पट्टियां उसके आंखों पे लगाई, उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर। से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? पर वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में, ऐसा खेला ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने अर्ज का तुरंत मैंने आपको कॉन्टेक्ट किया। खूप कंटाळा यायचा, पण जेव्हा का मेडिटेशन करायला लागले तेव्हापासून म्हणजे स्टडी मध्ये हे यायला लागलं, उत्साह यायला लागला, बरं वाटायला लागलं। ओके, नंदिनी बता रही गाँव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। कैसे, क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है। हाँ। और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद जट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है। और मोबाइल, मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे या मैं सुबह जाके सामने आता था जब तक देखे तो भी दोनों बेटी बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके, नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस 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 नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर में स्कूल टीचर्स ट्यूशन आपका हैप्पी है सर, काफी चेंज हो गया, ऋतिक को चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर। नाइस नाइस। मैं लिखने दो, कंप्लीट लिख कर बता रहा सर, विदिन हाफ एन आवर में बता रहा करते। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। पहले तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, टेंशन नहीं है सर, अभी कौन सा भी पढ़ने दो, मैं तो अभी हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर। कंपल्सरी सर, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। जिसमें लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए और मेरा मिशन भी है सर, 10,00,000 बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है, बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, 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 अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है, सर अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर, मेरे बेटे के लिए तो लास्ट होता। वो आगे आगे बढ़कर मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, यही कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको, यानी वीडियो कोर्स कैसा था?
पूरा अच्छा लगा सर, 30 डेज का, 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? अच्छा, यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊ, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना, मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था, डे वन का देखा था। मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाह क्या योगेश बनाया तूने, यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था। यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सर, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का, वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं कुछ भी बनाते हैं ना, वो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए। और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था, रात को मैं 2-2, 2:30 बजे एडिटिंग वगैरह एक सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है, या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं, तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है, और बच्चों को, हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया है। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे बच्चे को ये डालना चाहिए, यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल दो साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर, बहुत इम्प्रूव, हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर, यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए, डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा, यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर ऊपर नहीं पता चलेगा, करना करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा, यस 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 डेफिनेटली, यही मैं चाहता हूँ कि इसे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ और एक बड़े लेवल पे हो जाए। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियों को खींच गए सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर जा।